सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी व हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ऐसे जातक इंस्टेंट डिसीजन मेकर होते हैं, ज़्यादा पेशेंस नहीं होता। जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आया, जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए या इन्फ्लुएंस हो गए, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाएंगे। तो इस कारण से कई मरतबा गलत डिसीजन ले लेते हैं, नहीं तो गलत लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। उसके साफ साफ इंडिकेशन भी हैं हथेली में, उस पर अभी चर्चा भी किया जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जातकों को थोड़ा पेशेंस अपने अंदर रखना चाहिए और सोच विचार के ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए या प्लानिंग करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि फिंगर के बीच में बहुत बड़े गैप्स मेंटेन हैं, तो ये अधिक खर्चीलेपन को यहाँ पर व्यक्त करता है। खर्चों पर बहुत कम नियंत्रण ऐसे जातकों का रहता है और बड़ी सरलता से पैसा फिसलता है। इसीलिए यहाँ पर जैसे बात करें डायरेक्टली आपके हार्ट लाइन में क्या इशू आ रहा है कि मल्टीपल्स लाइन नीचे जा रही है, तो इस कारण से अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना वैसे योग बनते हैं। और पैसे का तो व्यवहार आप जैसे जातकों को करना ही नहीं चाहिए, वरना अपना ही पैसा वापस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से मांगने में शर्म भी आ सकती है या कहीं ना कहीं रिलेशन को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मनी वगैरह इन सब की वैल्यू कम हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति बने तो पैसों से संबंधित व्यवहार तो दूर, पैसा जताना भी नहीं चाहिए कि है आपके पास, क्योंकि पेशों के कारण बड़ा तकलीफ जीवन में फिर उठाना पड़ जाता है। इसीलिए अच्छा खासा मनी भी अटका पड़ा है। तो यहाँ पर देखें लिटिल फिंगर की लेंथ, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन करेंगे, एक काम हो या 10 काम हो, प्रॉपरली हैंडल कर पाने में सक्षम रहेंगे। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये मरकरी आपको नॉलेज अच्छा देगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले या खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करके जीवन में ग्रोथ करने वाले देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहता है। और इसके अलावा देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ वीक है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ का सुख प्रॉपरली मिल नहीं पाता है, इसीलिए एक प्रकार से अफेयर के चांसेस स्ट्रांग होते हैं और वो दिख भी रहा है। डबल लाइन है लाइफ में, डबल एंड ट्रिपल लाइन है, तो 2 से 3 बार जो है गहरा अटैचमेंट रिलेशन बनने के चांसेस दिखलाता है ये। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ फिंगर के ऊपर ऐसे बारीक सीधी खड़ी रेखा यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शा रहा है। थोड़ी आड़ी रेखा रिलेशनशिप में होने वाले थोड़े से अनबन मतभेद दूरियों को भी दर्शाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं आपको चीट कर जाता है। यहाँ देखें तो फिंगर के जो नोड्स है वो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में आपके रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपके इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थम का साइज सशक्त और मजबूत है, जो कि जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है, तो अपने जिद पर अड़िग रहना, अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना, सुन सबकी लेना लेकिन अंततः करना मन की, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और थोड़े हठी किस्म के नेचर के साथ साथ एक प्रकार से देखा जाए तो नाम, इज्जत, तवज्जो को सबसे ज़्यादा अहमियत देने वाले रहेंगे। ऐसे जातक थोड़े कान के कच्चे हो जाते हैं। कान का कच्चा मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ी बहुत तारीफ इनके सामने कर दी तो फिर तो ऐसे ऐसे वादे कर देंगे सामने वाले के लिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरा पॉइंट कि जब इनके सामने कोई रो देगा तो फिर इमोशनली होकर के भी सामने वाले के लिए किसी भी लेवल की हेल्प या मदद कर देने वाले रहेंगे। ऐसे जातक सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सच को इतना फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि पीछे की तरफ बैंड हो गया है, जो टॉप इसका पोर है, तो इस कारण से जो एक प्रकार से लॉजिकल पर्सनैलिटी है वो एक प्रकार से ऊपरी लेवल से देखने को मिलती है, अंदर तक किसी बात के नहीं जा पाते। यहाँ देखें तो यव का चिन्ह है, पैसा अच्छा रहेगा, रुकेगा नहीं क्योंकि ओपन है यव का चिन्ह। सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन भी अच्छी देता है, अगर मेडिटेशन पूजा पाठ करे तो लक आपका बढ़ेगा। और जहाँ पर थम का ज्वाइंट पॉइंट है, मानसल अच्छा है, तो किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
पाम का साइज यहाँ पर देखें तो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति बड़ी बड़ी सोच अप्रोच डेफिनेटली देखने को मिलती है। हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण ही जीवन में सिर्फ तरक्की और ऊंचा उठने की राह पर ही देखने को मिलते हैं। नीचे में देखेंगे तो शुक्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो शुक्र कारक होता है भोग विलास का, मोह माया का, सुख सुविधा का, दिखावटी चीज़ों का, और एक प्रकार से रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का, लग्जरियस लाइफ का। तो ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इनके रहेगी, इसलिए हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है, लेकिन इनका हेल्थ अच्छा यहाँ पर रहने वाला रहेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु की स्थिति ऐसी है कि गुरु माउंट डेवलप्ड थोड़ा कम है, लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार से विकसित अच्छा है, एरिया कम ले रहा है लेकिन विकसित ठीक है। और यहाँ पर आड़ी रेखा जो होती है तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग का कारक होता है, तो इस कारण से पैसे के विषय में या धन के विषय में कोई चिंतित होने वाली बात होती नहीं है, धन हमेशा रहता ज़रूर है। दूसरी बात, ये अध्यात्म में भी लेकर के जाता है, इसलिए आगे चल करके धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगा और तब जा करके पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और जो भी ट्रबल इश्यूज मनी के रिगार्डिंग, जैसे पैसा अटका पड़ा है, तो वो सब भी आपका ख़त्म होने वाला रहेगा। जुपिटर आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जुपिटर ज्ञान का कारक है, जुपिटर सबसे जो है पॉजिटिव यहाँ पर ग्रह है, और इसकी ब्लेसिंग्स जब मिलती है तब लाइफ में जो है सक्सेस पाने से या काम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ देखें तो प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो इस कारण से ये भी एम्बिशियस नेचर को तो दर्शा ही रहे, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट्स को दर्शाता है। ऐसा जातक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, तो जीवन में तमाम तरह के ऐसे सुख सुविधा भी बढ़ता है खुद के एफर्ट्स से, और कभी भी मेहनत में कोई कमी नहीं लाते हैं। वहीं देखा जाए सैटर्न, तो सैटर्न पर कोई लाइन नहीं है, यही रीज़न है कि हथेली में फेड लाइन होने के बावजूद भी, यानी अच्छा लक होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि सैटर्न माउंट जो है वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, फाइनल रिजल्ट, डेस्टिनी, आपका लक, ये सब चीज़ें। और अगर सैटर्न पर फेड लाइन नहीं पहुँच पाती तो कोई ऐसे जातकों का काम शुरू तो बड़ी सरलता से हो जाता है लेकिन अंत नहीं प्रॉपरली हो पाता है, और कई मरतबा तो मुँह के पास निवाला आके भी छोड़ता है, यानी काम बनते बनते रुकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए सूर्य के ऊपर, तो सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर जो है फिश सिंबल की आकृति हल्की सी जो है देखने को मिलेगी, तो ये लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है परफेक्ट वे में दे देने वाला रहता है, तो इसीलिए सूर्य पर ये साइन भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। फिर हल्की हल्की सी कुछ साइन है और यहाँ पर वी सिंबल की आकृति भी ऊपर में है, जिसके कारण फिर ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है, तो ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को डिनोट करता है, तो ये सारे योग भी उम्र 55 के लमसम तक बनने लगते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। मरकरी की स्थिति बहुत बढ़िया है, एक से अत्यधिक रेखा बहुत इन्फ्लुएंसर बना देता है बातचीत में, तो अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर लेना, अपने बातों से किसी को अट्रैक्ट कर लेना, अपना नेचर ऐसा रखना कि कोई भी इजिली अट्रैक्ट हो जाए या इनके साथ बंधे रहें, तो ये इनके बेसिक नेचर में रहेगा। तो बिजनेस माइंडेड भी रहते हैं और कैलकुलेशन स्किल भी बढ़िया होता है, इंटेलिजेंसी भी देखा जाए तो बेहतरीन देखने को मिलता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होता है, तो इस प्रकार का मरकरी ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल इनकम देने वाला रहता है, तो इसलिए यहाँ पर इस विषय में टेंशन वाली बात नहीं है, और बोल चल की कला तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है आपका। और यहाँ पर देखा जाए तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। हार्ट लाइन की स्थिति की बात की जाए तो देखिए आपका हार्ट लाइन बिखर के चल रहा है, तो ये हार्ट लाइन स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है, और यहाँ पर क्या है कि आपका लाइफ लाइन भी पूरा का पूरा डिस्टर्ब था, लेकिन क्या हुआ कि गार्जियन एंजल लाइन आ गई जिसने भरपूर सपोर्ट दिया, जिसके कारण कोई बहुत मेजर इवेंट या ट्रबल स्वास्थ्य के विषय में हुआ नहीं आपको। यहाँ देखेंगे तो जो हार्ट लाइन है उसमें क्या हो रहा है कि एक तो मल्टीपल लाइन नीचे आ रही है जो इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, गलत जगह पैसा लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में पैसा का एक तो दुरुपयोग होता है, पैसा का व्यवहार तो हमेशा मना ही करते हैं। दूसरा, आप जैसे जातकों को ये भी सजेशन दिया जाता है कि ज़्यादा कभी एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखें। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस कंडीशन में होता है, डबल माइंडेड फिर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ जो आपकी हार्ट लाइन है वो यहाँ पर आप बारीकी से देखेंगे तो ये सैटर्न पर आकर के बायफोर्क हुआ है, तो सैटर्न पर आकर के जब बायफोर्क होता है तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल नेचर देने वाला, लॉजिकल पर्सनैलिटी देने वाला और बैलेंसिंग नेचर देने वाला होता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल देना, तो बहुत जल्दी आप जैसे जातक तमाम तरह के कष्ट परेशानियों से उभर जाने वाले होते हैं, ये इतना प्रेशर अपने ऊपर लेते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर ओवरलैप करके एक दो रेखाएं जो हैं जो ऊपर की ओर हल्की हल्की सी जा रही है, जो अब जो है थोड़ा इमोशनल नेचर को दर्शा रहा है, और इमोशंस, फीलिंग्स की अब जो है आपके जीवन में कदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अब आने वाले जीवन में हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, तो क्योंकि हार्ट लाइन फेल करके चल रहा है तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर बेसिकली ज़्यादा ध्यान रखें।
इसके अंतर्गत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को ऐड करें और हेल्थ के रिगार्डिंग कभी भी ढीलापन ना रखें। कुछ भी इश्यूज आता है तो फटाफट चेकअप कराना, कॉन्शियस रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड लाइन की स्थिति की बात की जाए तो माइंड लाइन यहाँ पर आपके स्ट्रेट चल रहा है। यहाँ जो विष्णु सिंबल होता है ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है, तो इसलिए लाइफ में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस ये ऑब्वियसली दे देता है, इमोशंस फीलिंग्स के रिगार्डिंग भी इवन। और यहाँ पर देखा जाए तो जो माइंड लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है, यही रीज़न है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, मेमोरी शार्प है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। और माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ऐसे जातकों के जीवन में चाहे कितना भी प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी भी जीवन में हार नहीं मानते, हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। यही एकमात्र रीज़न है कि ट्रेमेंडस जो है ग्रोथ, सक्सेस जीवन में खुद के दम पर हासिल करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हुए भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उन रिस्क से कैसे भी करके निकल जाने वाले होते हैं। तो ये जो है अच्छे साहस, जुनून, हौसला, पराक्रम को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन की स्थिति बहुत बढ़िया है। इस माइंड लाइन में देखेंगे तो बिखराव जो माइंड लाइन का दिख रहा है वो उम्र 32 के एज से लेकर के तकरीबन यहाँ पर आपके 38 के एज तक दिख रहा है। तो ये जो तकरीबन 8 साल का पीरियड रहा है, सबसे ज़्यादा कष्टकारी और सबसे ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव देने वाला और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस दे देने वाला रहा है, क्योंकि इस पीरियड में ऐसे ऐसे दिन आपने देखे जो सोचे तक नहीं होंगे, क्योंकि माइंड लाइन जब ऐसे बिखर के चलता है इतना ट्रिमेंडस प्रेशर देता है व्यक्ति को, लेकिन माइंड लाइन स्ट्रेट है इसीलिए अच्छे खासे तरीके से निकल गए, क्योंकि माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को सबसे पहले दर्शाता है। लाइफ लाइन की स्थिति में ऐसा है कि जो ये छोटे छोटे रेखाएं देख रहे हैं आप ऊपर में, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ को दर्शाता है। अब अगर ये बैक में अगर ये रेखा नहीं होती तब तो ऐसा है कि ट्रिमेंडस वे में ट्रबल, प्रॉब्लम ये हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग देते रहता, लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन है इसे ही जो है गार्जियन एंजल लाइन, देवदूत रेखा कहते हैं। तो ऐसे जातकों के साथ में एक प्रकार की अदृश्य शक्ति हमेशा होती है जो इनके हर जो है काम बिगड़े से बिगड़े बना देती है। और ये कैसे रहती है कि लाइफ में किसी ना किसी का सपोर्ट अच्छा रहता है, जब जब नीड पड़ती है तब तब स्ट्रेंजर भी इवन सपोर्ट करके जाते हैं, स्ट्रेस बर्डन ट्रबल से निकाल के जाते हैं और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो पूरे करके जाते हैं। तो ऐसा है कि उम्र 25 के बाद में डबल जो है लाइन स्टार्ट हुई, जिसके कारण एक से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलना, और फिर उसके बाद उम्र देखेंगे आप तो ये रेखा जो है धीरे धीरे करके चेंज होने लग रही है। तो ऐसा है कि एक क्वेरी था कि रिलेशनशिप आपका और एक प्रकार से इनका कैसा रहेगा, तो यहाँ पर यह है कि जब इस प्रकार की लाइन चलती है और यहाँ पर जब एक प्रकार से आपका शुक्र के ऊपर सीधी खड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी हो तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चलने वाला होता है, अनदर रिलेशनशिप। तो इसीलिए यहाँ पर आपका रिलेशनशिप ओवरऑल बहुत अच्छा चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक तो सबसे मेन बात यह भी है कि लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हो गया और बाहर की तरफ झुक भी रहा है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग देता है। और शुक्र की तरफ जो रेखा आती है फिर ये स्वास्थ्य को सही करता है और फैमिली लाइफ में इंगेज करता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन ओवरऑल अच्छे उम्र का, अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे सुखमय जीवन को यहाँ पर व्यतीत कर रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। और यहाँ देखेंगे तो इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स दोनों की स्थिति अपने आप में ठीक है, तो फिजिकली फिटनेस के लिए और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए इस प्रकार के साइन अच्छा होता है। इस प्रकार का शुक्र थोड़ा सा कामुकता ज़्यादा देता है, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन देता है, और यहाँ देखा जाए तो शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण बड़े बड़े शौक हरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। सीधी खड़ी रेखा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग जीवन में कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो ये बायफोर्क का फॉर्मेशन है तो ये ट्रैवलिंग के लिए और जीवन में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्र की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, तो इतना ज़्यादा लोड प्रेशर अपने ऊपर लेते नहीं हैं, मस्त मौला किस्म का व्यक्तित्व ये दर्शाता है। जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ कष्ट बाधा क्यों ना आ जाए, अपने खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले रहते हैं। तो अभी तो देखा जाए तो अभी उम्र आपकी अराउंड 52 हो गई है और फेट लाइन चल रही है, तो आप सबसे पहले जो है अपने जुपिटर को और ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग करिए। सैटर्न पर लाइन पहुँचना जरूरी है, तब जाकर के आपको आपका पैसा मिलेगा, इट मीन सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अदरवाइज़ इश्यूज़ या ट्रबल देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर ये छोटा मोटा भी अगर तिल है तो मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये तिल होना ख़राब होता है, बनते बनते काम बिगाड़ देगा, अड़चन बाधा दे देगा, तो मुझे बताएं ताकि इसके रिगार्डिंग फिर मैं आपको रेमेडी सजेस्ट कर सकूं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।